हेलो साथियों, हेलो बच्चों, बीच में क्या है कि थोड़ा सा ना एक बोर हो रहा था तो मैं एक फिल्म देखने चला गया। जल्दी से टिकट तैयार थी, वापस आ गया। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको, आपने भी थोड़ा सा सांस ले ली होगी, कथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी। मैं इस पर एक प्रश्न कराने वाला हूं, तो देखिए किस तरह से करते हैं। वैसे आप करते रहेंगे, प्रश्न क्या है, किस तरह से है, वही पानी और बेंजीन, ज्यादातर अपने पास यही सामग्री है। एक इनऑर्गेनिक का है पानी, ऑर्गेनिक में बेंजीन है। पानी पापा, बेंजीन मम्मी, दोनों का संगम है। देखिए, ये शुद्ध बेंजीन लिए है। चूंकि बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग की बात करेंगे तो इसका डेल्टी बी नॉट है, वो कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। वो क्या होता, कितना होता है, ये आपको वैसे दिया होगा ये प्रश्न में। देखो, मैं तो लिख रहा हूं और ये प्रश्न ही है, आपको प्रश्न दिया होगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा 353.23 केल्विन, माना कि ये है। और ये बेंजीन की मात्रा कितनी है, कितनी ग्राम लिए है, बाकी आपकी मर्जी कितनी भी लो, 90 ग्राम दिया हुआ है। तो 90 ग्राम ऑफ दी बेंजीन एज ए सॉल्वेंट इसमें मिलाने वाले हैं। तुम्हारी इच्छा करे, और वो विलेय पदार्थ है कितना, 1.8 ग्राम। क्या मिलाया, मिला दिया जो कुछ मिलाना था, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अब इसको मिक्स करने वाले हैं, मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन तैयार हुआ, जब विलयन बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर बॉइलिंग अलग होगा। ये केवल है तो दिया है, हो सकता है देखिए यहां से यहां चेंज आएगा, वो क्या होगा, डेल्टा टीबी। तो कभी तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी होगी, कभी इसकी दे रखी होगी, पर तीनों में से दो दो वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी एक नॉन गिवन होगी। इसकी जैसे दे रखा हुआ है 354.11 केल्विन, ये बॉइलिंग टेम्परेचर दिख रहा है ना आपको, टीबी 354.11 केल्विन राइज हुआ ना, राइज हुआ। डेल्टा टीबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यही कर सकते हैं, कितना होगा देखो, बहुत सिंपल है, न्यूमेरिक ऐसे करते हैं, मस्ती से करो। देखिए, तो 354.11 माइनस 353.23 कितना होगा, 8 कितना होगा, 8 कितना होगा, तो चला गया ना 0, हाँ तो 3 और 0, इतना चेंज आया 0.88 केल्विन चेंज। और कैलकुलेट करना क्या है, हियर वी हैव कैलकुलेट, पूछा क्या है, उस अवाशील विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना करनी है। इससे पहले अभी आपने सूत्र नोट किया था, और अणु भार का सूत्र कैसे ज्ञात करोगे, याद कीजिए, केवी डिवाइड बाय डेल्टा टीवी इंटू, अपने पास क्या चीज नहीं है वो देखिए, चूंकि बेंजीन है, और मैंने आपको कहा था कि बेंजीन के लिए केवी कितना होता है, याद होगा कितना होता है, 2.53, हाँ तो ये 2.53 आप याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, केवी वैसे दिया होगा आपको 2.53, डेल्टा टीवी कितना हुआ 0.88, इंटू डब्ल्यू बी कितना है, ध्यान दीजिए डब्ल्यू बी विले 1.8, डब्ल्यू ए कितना है 90 ग्राम्स, और इंटू ए कैसा, कैलकुलेशन करो आप, करके देखना आ गया। देखिए ये आएगा आपका 58 ग्राम, यही होगा। तो इस तरह से आता है, यही आता है। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया, यदि 90 ग्राम बेंजीन लेकर उसमें 1.8 ग्राम कोई विलेय पदार्थ अवाशील होता है वो मिलाते हैं, तो बेंजीन के क्वथनांक में इतनी वृद्धि होती है, अर्थात इतना होता है और इतना हो जाता है। उस अवाशील विलेय पदार्थ का अणु भार हमने कैसे ज्ञात किया, ये आपके सामने है। तो इस तरह से आप
इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए, फिर क्वेश्चनों के साथ अलग से आते हैं किसी दिन। नेक्स्ट, तीसरा जो अणुसंघ गुणधर्म है वो हम देखने वाले हैं, मांग अवलंबन है, हाँ जी, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर है, वो हम इस तरह से नोट करते हैं। तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, बी अलर्ट, क्या लिया हमने, क्या लेते आए हैं, वही शुद्ध विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं, पानी समझ लो आप, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, दैट इज टी एफ नोट कह सकते हैं, क्या होता है फ्रीजिंग, व्हाट इज द फ्रीजिंग, व्हेन लिक्विड ऑन कूलिंग नॉट हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, दैट इज वॉटर, वॉटर चेंज इंटू आइस, नॉट आइसक्रीम, आइस। तो ये चीज है। तो देखिए आप जानते हैं पानी को जब ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं, जैसे ही हम उसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करते जाएंगे, बॉइलिंग करते समय क्या देखा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके बाद वो बॉइलिंग अप होता है, और जैसे इसको फ्रीज करते जाएंगे और जीरो पे आ जाएंगे, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, आइस में, जीरो पे, जीरो डिग्री सेल्सियस पर वो आइस में कन्वर्ट होने लगा, और ठंडा करेंगे तो फिर आइस है, जीरो से स्टार्ट आइस फॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम उस पानी में नमक डालते हैं, जैसे जो घर में जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें देखे पानी रख करके आप आइस बनाते हैं, आप कभी कोशिश करना कि पानी में नमक डाल के फिर उसकी आइस बनाना, तो हालांकि टेम्परेचर लगाओ तो पता चलता है, लेकिन उसमें कुछ चेंज आएगा कि जो बिना नमक वाला जो पानी है उसकी आइस फॉर्मिंग जल्दी हो जाएगी, अच्छी होगी, लेकिन जिसमें नमक डला होगा उस पानी में उसकी आइस फॉर्मिंग अर्थात उस आइस जो बनेगी या तो ढंग से बन नहीं पाएगी या बनेगी तो काफी कूलिंग पर देर में बनेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि पानी में यदि हम नमक डाल देते हैं तो उसकी जो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस है उससे भी डाउन चली जाएगी, कह सकते हैं कि माइनस में चली जाएगी। इसका कारण कि पानी का जो अब फ्रीजिंग होगी वाटर की, उसको जो मिक्सिंग जिसमें विलय मिला हुआ है, तो अब जीरो पर उसकी फ्रीजिंग नहीं होगी, अब माइनस टेम्परेचर पर उसकी फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगी। तो आप सोच रहे होंगे तो सर जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जीरो डिग्री सेल्सियस पर वो अभी भी नमकीन पानी होगा, बर्फ नहीं होगी। ये सब किसकी वजह से होता है, यहां पर जो गड़बड़ किसकी है, शैतानी किसकी, नमक की, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है, माइनस में जाएगा। तो अब हम देखना चाहते हैं इसको चित्र के माध्यम से विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ था, भले रही आज पानी का काम तमाम करके छोड़ेंगे, इसको वाल के भी छोड़ेंगे और इसको बर्फ बना के भी छोड़ेंगे। आज देखिए ये वही ग्राफ है, यहां पर वेपर प्रेशर वास्तव इस तरह से नोट करते हैं और इधर वही टेम्परेचर एक्सिस ताप ले रहे हैं। आपने देखा यहां पर जैसे मैं एक लाइन खींच देता हूं, मान लीजिए ये है, ये लाइन किसके लिए बना रहा हूं प्लीज ध्यान देना, ठीक है, ये लाइन बनाई हुई है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखिए यहां पर है वो सॉलिड फॉर्म है और इस साइड में है वो लिक्विड फॉर्म है, पहले क्या था वेपर और लिक्विड था,
और हम पानी को या किसी और लिक्विड को ठंडा करने वाले हैं, इसका मतलब जो ये ग्राफ आ रहा है, जैसे इस लाइन यहां से है, वो सॉलिड लाइन कह सकते हैं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ दी लिक्विड। जब वो आइस कह सकते हैं, वाटर को जब ठंडा करके लाएंगे तो वो आइस में बन जाएगा, वो आइस वाला ग्राफ ये है। वो आइस कहां से ठंडा करके लाएंगे, बीच में ही होगा, 20-25-30 कुछ भी होगा टेम्परेचर वाटर का, और उसको ठंडा करके लाएंगे। देखो बनाता तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, सिंपल है ग्राफ, और आप ऐसे कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। प्लीज इधर से समझने की कोशिश करिए, हमने वाटर को इस पॉइंट से फ्रीज करना स्टार्ट किया, करते लाएंगे कहां, इस पर आएंगे, वो पॉइंट क्या होगा बोलो, डी होगा, A2 D आ रहे, हम पहले हम U जा रहे। तो देखिए इस पॉइंट पर आते उसका फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, वाटर है तो वाटर का, और अदर लिक्विड होगा तो कोई और उस द्रव का। वो अगर वाटर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन। लेकिन हम तो एक सामान्य ग्राफ बना रहे हैं किसी भी विलायक के लिए, वो क्या होगा, शुद्ध द्रव का जो हिमांक होगा वो TF0 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां ए से बी तक ग्राफ बना, अब उसमें क्या कर दी गड़बड़, डाल दी मुट्ठी भर के, चम्मच भर के नमक की, तो क्या होगा, ग्राफ डाउन, क्योंकि ये तो बात वही पढ़ रहे हैं, कौन सी, जैसे हम अवास्तविक विलेय पदार्थ मिलाएंगे, वाष्प दाब या जिसी भी अवस्था में जो दाब है वो तो डाउन जाएगा, वाष्प दाब में कमी होगी, और ग्राफ लिख सकते हैं कहां आएगा, नीचे, तो वो ए की जगह ए डैश लिख सकते हैं, यहां बी की जगह बी डैश लिख सकते हैं, यू मान लीजिए यहां बी डैश लिख दूंगा, ठीक है, इधर लिख देता, समझ में आ रहा है। अब प्लीज ध्यान देना, जैसे इसको लेके आएंगे तो ये सॉलिड वाली देख, ध्यान देना, ये अभी ये यहां तक लिक्विड था, ये लिक्विड, लेकिन इसकी, इसमें जैसे नमक डाल दिया, इसकी जो लिक्विड स्टेट है वो आगे बढ़ गई, यहां तक देखिए लिक्विड, पूरी बात ध्यान देना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, यहां तक तो यही तक लिक्विड था, लेकिन अब इसमें ये नमक डाल दिया तो लिक्विड का जो ग्राफ वो आगे बढ़ गया है, अब इसकी सॉलिड फॉर्म में कहां पर आ गया, इस बिंदु पर, बी डैश पे, एक बार। तो अगर बिना अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए जब हम लिक्विड की कूलिंग करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग कहां पर होती है, बी पर, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं तो फ्रीजिंग कहां होगी, बी डैश पर। तो बोलो टेम्परेचर बढ़ा या घटा, फ्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो घटा कि नहीं, और घटा तो क्या हुआ, अंदर की साइड में घट रहा है, इसलिए डेल्टा टी एफ, सो इट्स नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बाकी वही डेरिवेशन प्लीज ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल का नियम लगाना है, दो ही भाई साहब है बड़े यहां पर, एक हेनरी और एक राउल, दोनों भाई साहब पूरे चैप्टर को पूरा कर देते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है, डायरेक्ट हम रिलेट कर सकते हैं, मैंने पीछे आपको बता ही दिया डेल्टा पी एक्स डी, तो हम डायरेक्ट यहां क्या नोट करें बोलो, किससे संबंध होगा डायरेक्ट, एक्स बी के साथ रिलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको इसको कहा कि अगर आप इसको भी सॉल्व करो बिल्कुल वही तरीका है, कोई चेंज नहीं करना है, केवल कथनांक उन्नयन पढ़ लो और हिमांक अवनमन अपने आप हो जाएगा, थोड़े थ्योरी का ध्यान रखना है, जहां वृद्धि होती है कथनांक उन्नयन में वहां हिमांक में कमी करते चलो, जहां कथनांक शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर हिमांक शब्द का प्रयोग करते चलो, हो गया, बस परेशानी कहां है। तो प्लीज बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए डेल्टा टी एफ, मैंने कहा बी के इस जगह पर एफ लगाते चलो, और वही मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आएगी, समीकरण नंबर एक बन गया ना, आप चाहो तो इसको डिराइव कर सकते हो बिल्कुल एज इट इज। हाँ जी, अब यहां आप पूछोगे कि एफ क्या है यहां पर, तो ये हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकता हूं मोलीय, अब पहले क्या था उन्नयन, अब क्या है अवनमन,
नियतांक स्थिरांक जो भी, इसका दूसरा नाम जैसे उसके लिए क्या था, केबी को क्या कहते हैं, केबी को क्या कहते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक। ये तो इंग्लिश में याद रखें भाई, स्कोपिक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। इसका मात्रक बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे आप पीछे करते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो मात्रक होगा वो भी सेम, क्या, केल्विन किलोग्राम प्रतिमोल अर्थात मोल इनवर्स, क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, टेम्परेचर ही तो है, टेम्परेचर उसी में रहेगा। अणु भार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था इसकी वैल्यू उसी तरह से पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बोलो, हाँ, इसमें लिख सकते हैं कि एमबी की अगर हमें गणना करनी हो तो हमको क्या करना होगा, तो कर सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी, के एफ तो लिखना ही है, ये आपको क्या करेंगे डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम्स। सो देन एम बी विल बी इक्वल टू के एफ बटे टी एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डब्ल्यू ए इन ग्राम्स में। तो देन वी गेट द इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2 टू डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सिंग इन द प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणु भार हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। जैसे उसके लिए मैंने कहा था कि केएफ जो केबी होता है उस वो जो बाष्पन की एंथैल्पी होती है उसके साथ संबंध होता है, यहां इसका जो संबंध होगा इसके लिए ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो केएफ कह सकते हैं इज इक्वल टू एम ए आर टी एफ नॉट स्क्वायर देन 1000 डेल्टा एच, वहां क्या लिखा था वाष्पन, यहां क्या लिखेंगे गलन, क्या लिखेंगे गलन, व्हाट इज मीन बाय गलन, फ्यूजन। अगर आपको दिख रहा हो इस तरह से तो देख लीजिए, तो कम से कम फर्स्ट और सेकंड तो आप याद रखें, ये तो यदा कदा गर्भस्य है, तो आपको समझ में आ गई होगी इसी की बात। तो हिमांक अवनमन हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर मैं एक प्रश्न और कराने वाला हूं, तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे सॉल्व करते हैं, एक मैं करता हूं, बाकी आप कीजिए, नहीं आए फिर पूछिए, फिर आएंगे क्वेश्चनों के साथ। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है एक हजार ग्राम एक किलो ही कह सकते हैं, और यहां पर जो विलायक है वो कौन सा लिया हुआ है, सुना होगा पढ़ा होगा नेफ्थलीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कितना लिया है 1000 ग्राम लिया है, क्या मिलाना है जैसा प्रश्न में दिया है, वो मिलाया है 25.25.6 ग्राम सल्फर गंधक मिलाया है, सल्फर मिला रहे हैं, जैसे मिलाएंगे इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा बोलो, टी एफ नॉट होगा कि नहीं होगा, यहां जो सॉल्यूशन मेकअप होगा जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास, सो वी प्रिपेयर द सॉल्यूशन लाइक दैट, और इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो टी एफ होगा, इसमें जहां लोअरिंग होगी डेल्टा टी एफ होगी, सो इट विल बी टी एफ नॉट माइनस टी एफ होगा, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है देखिए, इसके लिए जो नेफ्थलीन है विलायक है सॉल्वेंट है, देखिए वैसे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
और आप चाहो तो याद कर सकते हो जो इसके लिए केएफ की वैल्यू है वो है 0.68 केल्विन। कितनी? 0.68 केल्विन है। और आप अब हमको पूछा क्या है, जो विलेय पदार्थ है इसका अणु है, सल्फर कहां है, लेकिन लिखा नहीं है सल्फर अणु, और वो पूछना चाहता है कि वो सल्फर का अणु भार कितना होगा, मतलब एमबी कितना होगा। तो सल्फर का अणु भार देखिए, इसमें एक प्रश्न और बढ़ाया जा सकता है, इसी में हालांकि अभी तो इतना ही दिया है कि सल्फर का अणु भार भी पूछ ले और उस सल्फर का अणु भी पूछ ले, ये हो सकता है, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तो ध्यान दीजिए, लगाइए सूत्र, Mb बराबर क्या होगा, तो बोलो Kf डिवाइड बाय डेल्टा Tf होगा, मल्टीप्लाई बाय Wb मल्टीप्लाई बाय 1000 देन डिवाइड बाय Wa ग्राम्स। ध्यान दीजिए Kf की वैल्यू कितनी है, पुट कीजिए वैल्यू, मैंने आपको बता दिया यहां पर कितनी, 0.68। डेल्टा Tf कितना है, डेल्टा Tf इसमें क्वेश्चन में दिया होगा शायद, डेल्टा Tf कितना है 0.68 और Kf की वैल्यू, सॉरी यहां पर इसकी वैल्यू है वो 0.68 है, ये वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू है 6.8 में है, और यहां डेल्टा Tf जो इनकी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, नहीं तो हम करते, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 0.68 केल्विन, ये डेल्टा Tf के लिए है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में है। तो Kf कितना है, हाँ 6.8 डिवाइड बाय 0.68 है, Wb कितना है अपने पास 25.6 ग्राम है, Wa कितना है 1000 ग्राम है, और मल्टीप्लाई बाय 1000, देखिए गुणा भाग अच्छी तरह से आते हैं आपको, आते हैं ना, हाँ जी, तो देखिए ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, अगर जीरो लगा दोगे तो, है ना, और ये कट गया 10 और 10 का गुणा कर 256 ग्राम पर। तो इसी के साथ हमारे तीन अनुसंग गुणधर्म कंप्लीट हो गए हैं, एक है पराशरण राव के साथ आएंगे नेक्स्ट।